जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र जी, कोई क्वेश्चन नहीं है ना, तो आगे शुरू करें। ओके, चलिए अभी आगे जाते हैं। अभी हमको ये जो सुषम काल दुषम काल है, तो सागरोपम पल्योपम और सागरोपम तक का उसका जो रूप है ना, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे आगे जैसे हम तो करोड़ दस करोड़ अबज दस अबज अरब खरब से ज्यादा हमारे पास गिनती नहीं है, है क्या? नहीं, अरब और खरब, लेकिन उसके आगे हमारे पास गिनती नहीं है। शास्त्र में उसके जो पाठ दिए गए हैं, जो हम उसकी बात करेंगे। पल्योपम सागरोपम तक आगे बढ़ना गिनती में होता है। अब यहाँ ना कुछ कुछ चीजें ऐसी आएगी जिसको हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे कि देवलोक में ये काल की गिनती नहीं है, महाविदेह में ये काल की गिनती नहीं है, भरत ऐरावत में ही ये पल्योपम सागरोपम तक की गिनती होती है। तो ये सारी चीजों को हमें ऐसे समझना है कि ये जो पल्योपम सागरोपम तक की हमारी जो गिनती जाएगी ना, वो सिर्फ भरत और ऐरावत में है, बाकी सब जगह सूर्योदय सूर्यास्त सूर्योदय सूर्यास्त कोई गिनती नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? क्योंकि वहां पे काल अवस्थित है, मतलब एक खरब खत्म हो गया, दो खरब खत्म हो गया, ऐसे वहां कुछ खत्म ही नहीं होता, क्योंकि वहां आ रहा है समय एक जैसा है। अगर समय एक जैसा है तो उसको कोई करोड़ लाख हजार में गिनती करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे हमारे यहाँ पंचांग बनता है, पंचांग बनता है तो 10 साल के बाद रिपीट, हिंदू पंचांग 60 साल के बाद रिपीट बनता है, तो खाली 60 साल तक ही बनता है ना। एक करोड़ साल निकल गए उसको कितना बोला, दो करोड़ निकल गया उसको कितना बोला, ऐसी कोई गिनती नहीं है। जैन धर्म में पल्योपम और सागरोपम तक की गिनती है। एक उत्सर्पिणी कार जो आपने 6 आरे का देखा, 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है, ऐसे एक अवसर्पिणी काल 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है। ये कहने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि काल के समय से हर एक चीज बदलती है, लोगों के शरीर की अवगाहना भी बदलती है, समय के हिसाब से जमीन में भी बदलाव आएगा, आकाश में भी बदलाव आएगा, हवामान वातावरण, हम सबके भावों में भी, खान पान में भी बदलाव आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एक मिनट है। ये जो खाली जैन धर्म में है ना, यहाँ पे मैं आपका ध्यान दौड़ूंगी हिंदू धर्म में, जो सतयुग त्रेता द्वापर और कलियुग जो चार व्यवस्था है, वापस कली से ऊपर चढ़ते चढ़ते सतयुग तक जाना, बिल्कुल हमारे जैसे उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का समय हुआ। सतयुग उनका सतयुग हमारा पहला आ रहा, दूसरा आ रहा, तीसरा आ रहा, फिर त्रेता युग तो हमारे चौथे आर्य के बराबर, त्रेता और द्वापर, और कलियुग हमारे पांचवें और छठे आर्य के बराबर। तो ये जो व्यवस्था है वो भरत में ही है और कहीं नहीं है, और भरत में जितने भी अलग अलग धर्म होंगे वो सबने इसको कुछ नाम दिया है। हमारे में उसको 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल चक्र माना है हिंदू धर्म में। उन लोगों ने सतयुग और त्रेता युग ऐसे चार प्रकार के युग का नाम दिया है। समझ में आई मेरी बात? आगे जाएंगे, आगे में आपको भवनपति आदि देवों के आयुष्य के प्रसंग पे तथा अन्य पदार्थों के विवरण के प्रसंग पर पल्योपम सागरोपम आदि शब्दों का उल्लेख मिलेगा। देखिए, भवनपति देव, फिर वाणवेंतर देव, वैमानिक देव, और जो भी जम्बू द्वीप के जो जम्बू का जो जम्बू देव है जामवन देव, उसके बाद वैताड़ है पर्वत, और जो भी जो सब अलग 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 पर्वतों के जो नाम है, उन सबके देवों के आयु है वो एक पल्योपम के ही होते। जो भी ये
अलग अलग पर्वतों के सभी के देव हैं, जिसको आप रक्षक कह सकते हो, वहां का राजा कह सकते हो। जैसे कि वैतरणी गिरी का नाम देव, उनके जो देव का नाम है वो गिरी कुमार, ठीक है। और ये जो कैलाशपति और हरिवाहन देव, ये देव से आप, ये दो नाम से आप कौन से नाम निकालोगे, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, बताओ जरा। कैलाशपति ये नाम तो कैलाशपति नाम सुना हुआ है, यही नाम, यही नाम हमारे ढाई द्वीप में एक पर्वत के ऊपर रहे उसके अधिष्ठायक देव का नाम है। सारी का तेरे में वापस ये प्रॉब्लम हो गया, तू माइक बंद रखेगी, कुछ प्रॉब्लम है तेरे लैपटॉप में या कंप्यूटर में, पता नहीं क्या है, माइक बंद कर दे। दूसरे है नाम हरिवाहन देव, उससे आपको कौन से देव याद आएंगे? हरी, हरी नाम से कौन है? हाँ तू बोली सारिका, विष्णु बोली ने हरिन गमेश, अरे विष्णु देव। आ लोको ना जे शंकर देव पछी बीजा विष्णु खरा के नहीं? हिंदुओं मा शंकर देव ने विष्णु देव पण खरा के नहीं? त्रिदेव माथी अब ये दोनों देव के नाम हमारे ढाई द्वीप में रहे पर्वतराज के रूप में दिया गया है। अब समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है, कोई बताएगा प्लीज? हरिवाहन देव कैलाश देव, हरिवाहन देव कैलाश देव, हरिवाहन, हरिवाहन देव का नाम ही विष्णु है, विष्णु देव, विष्णु देव, विष्णु देव, मैं ये खबर रहती हूँ। हाँ हाँ, विष्णु देव है। तो जो भी शंकर देव और विष्णु देव जो हिंदू धर्म में उनको जो भगवान माना गया है ना, ये हमारे ही ये ढाई द्वीप के दो पर्वत के, पर्वत के राजा अधिपति माने गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज हम जानेंगे अभी आगे आगे, और बाकी सारे भी देवों के नाम आएंगे। जैसे माल्यवंत पर्वत है, उनके जो देव उनका नाम है माल्यवंत देव, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जम्बू द्वीप है, उनके जो देव है अधिष्ठायक उनका नाम है जाम्बवंत देव। तो ये आपको आगे आगे हर एक घातकी खंड के द्वीप के भी नाम है, उनका भी वही नाम है। घातकी मतलब जो नाम से होता है ना, वही नाम से वो देव का भी नाम होता है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे इतना ही समझना है कि पर्वत के राजा अगर कोई अधिपति देव है तो जाहिर है वो आपको सम्यक दृष्टि नहीं मिलेंगे। मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो अगर वो देव को कोई अन्य धर्मी उसको भगवान मान के पूजा करे तो ये बात हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चलो आगे जाएंगे। तो पल्योपम, ये सभी देवों की आयु एक पल्योपम है। और एक बड़ी बात मैं बताऊं अभी, इसको आपको ध्यान से सुनना है। इंद्र देव 64 इंद्र, और ऐसे ही ये सारे जो अधिपति देव है ना, गिरी पर्वत के देव, गिरी के देव, जम्बू द्वीप के देव, ये सभी देव की एक कुर्सी होती है, मतलब एक स्थान होता है। वहां पे अगर किसी व्यक्ति ने उसके अधिपति का अगर आयु बांधा, जैसे हमारे में कोई एक सेठ ने इंद्र का आयु बांधा था ना, तो वो जब इंद्र के वहां पे जो जीव इंद्र बना होगा, उसकी जैसे ही उसकी आयु एक पल्योपम या जितनी भी हो पूरी हो जाए, उसके बाद वो वहां से चवित हो जाएंगे, वो स्थान रिक्त होगा। समझ लीजिएगा, सिर्फ स्थान रिक्त होगा। वापस कोई दूसरी व्यक्ति जीव जिसने वो आयु बांधा है वो वहां पे पहुंच जाएगा। ये एक व्यवस्था है,
मेरी बात समझ में आ रही है? बड़ा प्रधान पद एक व्यवस्था है कि नहीं? सीएम सीट और बड़ा प्रधान की सीट एक व्यवस्था है कि नहीं है? 5 साल का खत्म, समय खत्म हो गया, अब इलेक्शन होगा, अब जो नया आया वो आया। अगर ऐसा नहीं हुआ, बड़ा प्रधान की आयु पूर्ण हो गई, उसकी जगह दूसरा बड़ा प्रधान बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल, ये 64 इंद्र की 20 सीट होती है। ऐसे ही हरेक गिरी पर्वत के अधिपति देवों की भी एक सीट होती है। वैताढ़ कुमार के जो गिरी कुमार है उनकी भी सीट है। जैसे ये कल पल्लोपम आयु खत्म हो गया, वहां से वो चवित हो गए और वहां पे दूसरे का जन्म हो गया। सूर्य ने आज रीते सेम वे, वो बिंब के जो एकेंद्रीय, बिंब के जो एकेंद्रीय जीव है ना, वो भी ऐसी व्यवस्था। अच्छा, जो चीज हमेशा रहने वाली है ना, वो सब में यही व्यवस्था। वो जगह दूसरे जीव आएंगे और आगे के जीव निकल जाएंगे। अरे जो सिद्धशिला की पृथ्वी है ना, वहां भी ऐसी व्यवस्था है। वो पृथ्वी के ऊपर के जीव सिद्ध के हैं, नीचे के नहीं। सिद्धशिला की जो पृथ्वी है ना, जो सफेद दिखती है चांदी जैसी, वो भूमि, वो शिला भी ऐसे ही एकेंद्रीय जीवों से बनी है। वहां भी यही व्यवस्था है। क्या ए भूमि पर? अच्छा, आपने आपने त्या तो नता मड़िया ने तो मड़िया पर होई है कदाच। अच्छा, सारी का जो हूँ भी मड़ी थी। अरे जाऊ छे नहीं, तू भी जाने आई। हवे आवता भवे आपने बधा साथे जई आवसु, आवता भवे आपने बधा साथे जई आवसु, એટલે એટલી સિદ્ધના દેવો ને દૂર થી જોઈ ને તો આવસુ ના? હવે કેન્દ્રીય માં ન જાઉં ભાઈ। ઓકે, ચલો, ये समझ में आ रहा है ना? बस मैं यही कह रही हूँ, ये एक व्यवस्था है। और एक पल्योपम आयु और एक सागरोपम आयु वाले जीव वहां जन्म लेंगे, जिन्होंने ऐसी उत्कृष्ट आयु बांधी होगी वो, और वहां वो अपना आयु पूरा करके फिर से अपने कर्म के हिसाब से दूसरी योनि में चले जाएंगे। बराबर। तो जो इंद्र बन रहे हैं, जो ये भूमि के अधिष्ठायक है, देव है, वो सब कर्म के अधीन ही ये पूरा संसार चल रहा है। और कर्म के अधीन ही अपने पद अनुसार उनको आयु मिलती है। बराबर। क्लियर हो गया आज ये पाठ? चलो आगे जाएंगे। सामान्यतः असंख्यात वर्ष का एक पल्योपम होता है। अब एक पल्योपम आयु तो है, लेकिन वो कितने समय हुआ? असंख्यात वर्ष, आप उसको गिनती में नहीं कर सकते हो। अरब खरब तो गिन सकते हैं ना? अरब खरब हम गिन सकते हैं, लेकिन ये ऐसा है जिसको आप गिन नहीं सकते हो। और 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम, देखिए एक पल्योपम है असंख्यात, और 10 कोड़ा कोड़ी, 10 करोड़ गुणिया 10 करोड़, ऐसे असंख्यात वाला एक पल्योपम, 10 करोड़ पल्योपम्स को 10 करोड़ पल्योपम से गिनो, जितने असंख्यात वर्ष आए वो एक सागरूपम हुआ। मतलब आपके पास कोई गिनती करने का माध्यम होगा क्या? उसके लिए एक पल्य को किससे भरा गया है पता है? जैसे कि युगली कोई बच्चे का जन्म हुआ हो और उसके बाल हो, उससे वो पल्य को भरा जाता है। उसका पूरा गणित है, वो जब आएंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। सर्व से अल्प जघन्य से जघन्य क्या है? सर्व से अल्प जघन्य से जघन्य है एक समय। सर्व से अल्प जघन्य से जघन्य है एक समय। और अति एंड में, मतलब सबसे ज्यादा हो, वो है सागरोपम। आगे जाएंगे। एक आंख बंद करके खोलने में असंख्य समय चले जाते हैं।
इसलिए वो कितना सूक्ष्म होगा वो हमें नहीं पता, मात्र केवल ज्ञानी जान सकता है कि आंख बंद करके खोले हैं उसमें कितने समय निकले हैं वो गिन सकते हैं, हम नहीं गिन सकते, वो जरूर गिन सकते हैं। राग द्वेष रहित सर्वज्ञ परमात्मा कभी भी असत्य प्रतिपादन नहीं करते हैं। जो भी केवली हो गए हैं वो राग द्वेष रहित है, उनको असत्य बोलने का कोई कारण नहीं होता। आज के वैज्ञानिक में एक मिनट के करोड़वे भाग का अगर आपको ज्ञान करना हो तो यंत्र की मदद से आप करोड़ भाग कर सकते हो, लेकिन अपने दिमाग से नहीं कर सकते हो, आप अपने दिमाग से नहीं कर सकोगे। बिल्कुल इसी तरह हम नहीं कर सकेंगे, वो एक यंत्र ही हो चुके हैं जिनको सहर केवल ज्ञान हो चुका है, उनको सब प्रकार का ज्ञान मिल गया है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म समय को भी वो देख सकते, हम नहीं देख सकते। मैं नथी करी जोइए छे कोई ने। अच्छा अच्छा, हूँ हमें हाथ मात लेने बैठी छू। ओके, तो क्यों पेज से तमारी बुक में 97? अरे 90 कोई ने जोइए छे बोलो, किसी को बुक का डिस्प्ले चाहिए? हाँ, किसी को चाहिए? नहीं तो मैं ऐसे ही जाऊं। बड़ा पैसे छे आ वंदो नहीं, ठीक है। ये काल ऐसा द्रव्य है, सुनिएगा, काल एक ऐसा द्रव्य है उसके प्रदेशों के समुदाय रूप वो नहीं है। काल द्रव्य प्रदेशात्मक नहीं है, बराबर? ऐसा तो नहीं है ना एक समय का इतनी जगह जमीन है ऐसा प्रदेश है? एक घंटा समय निकल जाए तो इतनी जमीन निकली ऐसा कोई प्रदेश है? नहीं है। तो ये बिल्कुल अरूपी है, ये दिखने जैसा नहीं। काल के भेद नहीं हो सकता, अगर प्रदेश नहीं है तो भेद नहीं हो सकता, लेकिन निश्चय और व्यवहार से उसके दो भेद जरूर बताए गए हैं। निश्चय से मतलब कि पूरा एक काल चक्र वो निश्चय हो गया, और व्यवहार से मतलब उसमें सारे आरे अलग, उसके वर्ष अलग, उसके दिन अलग, वो सारा व्यवहार काल हो गया। व्यवहार काल, अब हम व्यवहार काल को समझेंगे। निश्चय काल तो सीधा ही बता दिया है 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपण, अब हम उसको व्यवहार काल में समझेंगे। व्यवहार काल समय से लेके शीर्ष प्रहेलिका तक संख्या है। आप शीर्ष प्रहेलिका तक संख्या समझ सकते हो, जैसे अबज, 100 अबज तक संख्या है ना, 100 अबज तक संख्या है, अरब और खरब हिंदी में, तो 1 खरब और 100 खरब वहां तक संख्या है, उसके बाद संख्या नहीं है। तो यहाँ शास्त्र में शीर्ष प्रहेलिका तक ही वो संख्या है, उसके बाद असंख्य भी है, उसके बाद अनंत भी है, बराबर। शीर्ष प्रहेलिका से पल्योपम, सागरोपम, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी, एक काल चक्र, अनंत काल चक्र, एक पुद्गल परावर्त काल, अनंत पुद्गल परावर्त काल। समझ में आ रहा है? ये आगे आगे की गिनती है, और अभी तक हम कितने समय घूमे? अनंत पुद्गल परावर्त काल तक घूमे हैं। अभी तक हम कितना समय घूमे? आपको अगर कोई बोलेगा तो कितना घूमे आप, मैं कितनी घूमी हूं? अनंत पुद्गल परावर्त काल हमने निकाल दिए, तो अनंत पुद्गल परावर्त काल का मतलब ही तो असंख्य हुआ ना। आओ अभी व्यवहार काल कहाँ तक है, ये व्यवहार काल कहाँ तक है? तो व्यवहार काल मनुष्य क्षेत्रवर्ती 45 लाख योजन में ही होता है। अच्छा बिंदु, में एक वस्तु पूछी छे के अनंत जे काल के छे एनु 9 सुधी प्रमाण छे, 9 अनंत काल सुधी जो अनंत अनंत काल सुधी जो एवं कई छे? अगर 9 तक आ गया वो संख्या तो आ गया, खबर नहीं तो संख्या तो आएगा ही नहीं। हाँ, संख्या तो आ ही नहीं सकता, नहीं तो फिर 9 पुद्गल परावर्त में आप अटक गए फिर। हाँ, फिर 9 वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है,
ओके बराबर छे। अनंत का मतलब अनंत हो गया बस, अनंत में धी एंड नहीं है, अनंत का मतलब धी एंड नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अगर अनंत अनंत नवी होंगे ना तो अभवी पूरी बमते ही रहेंगे, ऐसी बात ही नहीं होती। हाँ बराबर छे। हाँ ठीक है, अनंत में कभी भी एंड नहीं आता, इतना ध्यान रखना। नहीं है, नाइन की संख्या ना। हाँ नाइन की संख्या आ गई, समझाई नहीं। नाइन की एंड आ गया मतलब अंत आ गयो, उसमें अनंत में कभी अंत नहीं आता है। बराबर ठीक है, अभी आगे जाएंगे। 45 लाख योजन तिरछा में साइड में ढाई द्वीप, ऊर्ध्व और अधो में 1800 योजन, ये तो हमने पढ़ लिया है पहले, फिर से आगे आएगा तब देखेंगे, लेकिन यहाँ तक व्यवहार काल होता है, क्योंकि जो क्षेत्र में सूर्य चंद्र आदि ज्योतिष चक्र चर होने के साथ साथ अपने किरणों से प्रकाश और अंधकार दोनों देते हो, दोनों दे रहे हो, समझ में आ रहा है? चर होने के कारण प्रकाश तो आया, उसके बाद अंधकार आया, फिर से प्रकाश, फिर से अंधकार, तभी एक एक दिन की गिनती हुई ना। और ढाई द्वीप के बाहर तो प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार होता ही नहीं है, तो दिन तो गिनने की बात ही नहीं हुई, समझ में आ रहा है? क्यों तो व्यवहार काल ढाई द्वीप में ही है, 1800 योजन जमीन में है, लेकिन ये ढाई द्वीप और 1800 योजन के नीचे व्यवहार काल नहीं होता, ऊपर 100 योजन तक है, तो देवलोक में भी व्यवहार काल नहीं, नरक में भी व्यवहार काल नहीं, और ढाई द्वीप के बाहर भी व्यवहार काल नहीं, समझ में आ गया? आ गया, चलो। ये समय आदि की गिनती करने वाला चर सूर्य है, सूर्य भी है, चंद्र भी है, ग्रह नक्षत्र तारा सब है, इसीलिए सूर्य को आदित्य कहा गया है। और भगवती सूत्र में एक प्रश्न है कि काल का क्षेत्र अनुसार अगर मर्यादित है, काल का क्षेत्र अगर मर्यादित है तो देवलोक आदि अन्य स्थानों में देवो आदि का आयुष्य का प्रमाण किस अपेक्षा से गिनेंगे? आप देव की आयु किस अपेक्षा से गिनेंगे, क्योंकि वहां तो कोई व्यवहार काल है ही नहीं। तो जवाब है, देवलोकों के स्थानों में वर्तित जीवों के आयु की गणना ऊपर बताए हुए मर्यादित क्षेत्र में वर्तित व्यवहार काल से ही करनी होती है। मतलब ये हो गया कि अगर आप वहां की आयु देखेंगे और बोलेंगे कि पहले दूसरे देवलोक में 10,000 आयु जघन्य है, 10,000 वर्ष, तो किसकी अपेक्षा से हुआ? हमारे की अपेक्षा से हुआ, यहाँ की व्यवहार काल की अपेक्षा से हुआ, क्योंकि वो काल में तो व्यवहार है ही नहीं। यहाँ देखिए एक बात पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इसी प्रकार से एक पूरे काल चक्र में 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम होता है। अनिल जी ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट, एक काल चक्र में 20 कोड़ा कोड़ी होता है गिनती, जो भरत और ऐरावत में घूमा तो उतना ही समय महाविदेह में हुआ, जहां इतने में जितने तीर्थंकर हुए, जो भी तीर्थंकर होना है महाविदेह में उतने में ही हो जाएंगे, बस समझ में आया? हमारे लिए वो 10 कोड़ा कोड़ी काल चक्र है, लेकिन वहां तो काल चक्र है ही नहीं, नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं है। तो यहां जब 24 तीर्थंकर हो गए तो वहां उत्कृष्ट भी हो गए और जघन्य भी हो गए, ये बात समझ में आ गया? हाँ आगे जाएंगे। क्योंकि देवलोकादि आदि समय में सूर्य चंद्र के परिभ्रमण के अभाव में, देखो वहां क्या क्या नहीं है, ये बात को बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये गाथा पाठ है। समय नहीं है, आवलिका नहीं है, मुहूर्त नहीं है, दिन मास वर्ष काल, इसकी उत्पत्ति नहीं है। समय आवलिका मुहूर्त दिन और मास नहीं है, क्यों नहीं है पता है? क्यों नहीं है पता है? वहां पे सूर्य अस्त और उदित होता ही नहीं। आप कभी ऐसी कल्पना करो जैसे कि हमारे यहां, देखिए यहां पे ये क्यों है, ऐसा क्यों है उसको हम समझेंगे। हमारे यहां सूर्योदय होता है, उसके बाद दोपहर होती है तो धूप बढ़ती है, और जब अस्त होता है सुबह और शाम, अस्त होने के वक्त सूर्य का रंग कैसा दिखता है? लाल दिखता है ना,
केसरी दिखता है ना, और दोपहर में तपते हुए सूर्य का कैसा होता है, बिल्कुल पीला और सफेद जैसा होता है ना। महाविदेह में जहाँ पे ये व्यवहार काल नहीं है, वहां पे पूरा 24 घंटे तक, क्योंकि सूर्य निकलेगा, कभी भी जो सुबह का जो बाल सूर्य होता है, शाम का जो बाल सूर्य होता है, वो 24 घंटे तक दिखता है। बिल्कुल एक जैसा सूर्य, सूर्योदय के वक्त और सूर्यास्त के वक्त जैसा सूर्य होता है, वैसा ही सूर्य वहां पे पूरा दिन दिखता है। क्योंकि वो क्षेत्र सूर्योदय से कितना दूर, 2500 योजन जितना दूर हुआ, महाविदेह क्षेत्र के चारों कोने में सीता मुख वन है, उसके बाद विजय की शुरुआत होती। तो जो 12 बजे तपती हुई धूप भरत ऐरावत को मिलती है ना, वो महाविदेह को नहीं मिलती। चलो आगे जाएंगे। देवलोक में सूर्य चंद्र है ही नहीं, तो वहां उजाला कैसे होता होगा, क्योंकि विमान में जो रत्न है ना, उसी से प्रकाश मिलता है, तो वहां तो उजाला ही उजाला है, अंधेरा तो होता ही नहीं। अब सूर्योदय नहीं है तो सूर्यास्त तो होना ही नहीं है ना। देवलोक में कभी रात होगी क्या? नहीं। अगर उनको नींद भी आई तो खड़े खड़े ही सो जाएंगे ना वो। महाविदेह में तो सूर्य है, मैं देवलोक की बात कर रही हूँ अभी, महाविदेह का खत्म हो गया। अंधारू तो था ही नहीं, क्योंकि टर्निंग में है ना, हर 12 घंटे में अंधेरा तो होगा ही। अच्छा, द्वीप टर्निंग में है पूरा। ओके ओके, तो टर्निंग में तो 12 घंटे तक ही सूर्य दिखाई तो 12 घंटे ही देगा, लेकिन कैसा दिखाई देगा, पूरा पीला, एकदम ऑरेंज 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 जो सुबह का होता है वैसा। अच्छा, ऐसा नहीं कि रात नहीं है। 12 घंटे सूर्य, 12 घंटे सूर्य दिखेगा, 12 घंटे सूर्य नहीं भी दिखेगा उनको, लेकिन जो दोपहर का तपती हुई धूप वाला सूर्य है ना, वो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। आपकी जेमज 12 कलाक अंधारू, 12 कलाक अंधारू, 12 कलाक उजवाड़ू। अच्छा अच्छा, लेकिन देवलोक में तो वो भी नहीं है, नरक में तो वो भी नहीं है, क्योंकि वहां तो, अच्छा नरक में तो अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरा, क्लियर हो गया? हाँ, ये तो रत्नो न प्रकाश। बस आगे जाएंगे। जिस तरह व्यवहारिक काल होता है, मतलब एक दिन, दो दिन, तीन दिन, बिल्कुल उसी प्रकार से नैश्चयिक वर्तना परिणाम स्वरूप काल भी होता है। तो यहाँ पे व्यवहारिक काल हुआ जो सेकेंड दिन घटना बढ़ना, लेकिन देवलोक, महाविदेह, नीचे वो सब जगह कौन सा काल हुआ? निश्चय काल। वर्तना परिणाम वाला तो है ही कि भाई जीव का जन्म होगा और अंत होगा, वर्तना परिणाम तो उधर होगा ही होगा कि भाई अगर किसी का इतना आयु है तो वो उतनी उनकी भी आयु की गिनती तो होगी ना कहीं से, तो आप नहीं गिन रहे हो, लेकिन जिसने आयु दी है और जो उसकी आयु खत्म करेगा वो तो गिनेगा कि नहीं गिनेगा? एक पल्योपम की आयु दी गई है तो एक पल्योपम में तो वहां जगह खाली होगी कि नहीं होगी? इसलिए वर्तना परिणाम वाला समय जरूर है, जिसको निश्चयात्मक बोला जाता है। आज आपने निश्चयात्मक काल और व्यवहार काल समझा है, बोलो कुछ नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ हुआ है बताओ, प्रश्न कर सकते हो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो, ये बहुत जरूरी। वो हमारा आयु टूट जाने वाला है, इसीलिए हम व्यवहार काल में, क्योंकि व्यवहार काल ही टूट, समझिए समझिए, व्यवहार काल ही खुद टूटता है पूरा दिन, बरोबर टुकड़े टुकड़े में होता है, मुहूर्त घटी ये 100 साल, 10 साल, 15 साल, 100 साल, 1000 साल, लाख साल,
सब टूट रहा है ना वो, और तो इसलिए आयु भी टूट रहा है। और जहाँ पे आयु टूटे ही नहीं उनको पता ही नहीं चलता, उनको गले की माला करमाएगी ना तब मालूम पड़ेगा कि हमारा आयु खत्म हो रहा है। अच्छा, देव और मास का व्यवहार का? देवलोक में यही काल है निश्चय काल, देवलोक अच्छा। में निश्चय काल, नरक में निश्चय काल, और महाविद्या में भी निश्चय ही है, व्यवहार तो है ही नहीं। तो आयुष्य टूटे नहीं? आयुष्य उनको 500 धनुष की काया तो है ही, देखिए, लेकिन ये सूर्य उनको दिखता है ना, उदय अस्त होता है ना, तो ना पूरा निश्चय है ना पूरा व्यवहार है। उनको आयु टूटेगी भी और सब कुछ होगा, लेकिन जो सूर्य के दोपहर का ताप या तपना या उसके जो अशुभ फल है ना वो उनको नहीं मिलेगी। वहाँ पे आधा ही व्यवहार चल रहा है, पूरा व्यवहार नहीं चल रहा है, लेकिन आयु तो कभी भी टूट सकती है, शरीर तो है ना। एक ध्यान दीजिए, आयु किस लिए टूटती है? आपको शरीर मिला इसलिए। देवलोक में शरीर मिला है क्या? नहीं, नहीं, तो फिर वहाँ आयु नहीं टूटेगी। नारकी को शरीर नहीं मिला है, नहीं टूटेगी, तो महाविदेह में काल की वजह से आयु टूटती है? नहीं। बस तो बात खत्म हो गई। ओके ओके, बराबर क्लियर है। आपको आयु टूटने में काल को नहीं लाना है बीच में। बराबर है, काल का व्यवहार अलग है, काल को वहाँ लाओगे जहाँ बदलाव है, जहाँ बदलाव है वहाँ व्यवहार काल, जहाँ बदलाव ही नहीं है, फिक्स एक समय है निश्चित, वो है निश्चय काल। ओके ओके ओके, ठीक है। अब आयु का खंडन होना तो निश्चित नहीं है ना? नहीं नहीं, तो आयु निश्चित नहीं है इसलिए थोड़ा व्यवहार जाएगा, लेकिन उनकी जो वज्र वृषभ संग्रहण ये सब तो निश्चित है ना, 500 धनुष की काया तो निश्चित है ना। तो आधा व्यवहार आधा निश्चय भी हुआ कि नहीं काल में? बराबर, वहाँ पे सब मिश्रण है, वहाँ की व्यवस्था ही अलग है। हाँ, दिवस रात नथी माँ, अरे हूँ बधू तो बोली गई बेन, दिवस रात तो हो रहे ने, सूर्य चंद्र फरे तो दिवस रात तो हो रहे ने, बपोर ना हो क्या? बपोर ना हो एटले बपोर जेवो तड़को ना हो, बपोर पण हो बेन, पण बपोर जेवो तड़को ना हो, बपोर जेवो तड़को नहीं, तमारू शरीर बगाड़े रोग करे एवो तड़को नहीं। त्यां तो निश्चय ज कहेवाय, सांभळी लो हवे, एमां अर्धू अर्धू नथी बोलवानू। महाविदेह में निश्चय काल ही है, वहाँ व्यवहार काल नहीं है, क्योंकि व्यवहार काल गिनती में व्यवहार काल आता है, वहाँ गिनती में निश्चय होता है। वहाँ पल्योपम सागरोपम काल चक्र दस कोड़ा कोड़ी कुछ नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप निश्चय काल बोलोगे, वहाँ व्यवहार काल नहीं बोलोगे। और निश्चय काल भी समय की अपेक्षा क्षेत्र की अपेक्षा चेंज हो जाएगा, ये तीर्था लोक है, अब आप तीर्था लोक का निश्चय काल और देवलोक का निश्चय काल तो नेचुरली है ना अलग होगा। बराबर, बस मगर महाविदेह में होगा तो निश्चय काल ही, वहां व्यवहार काल नहीं बोलना है आपको, आधा आधा भी नहीं बोलना। बराबर, पर देवलोक का नरक का निश्चय काल और महाविदेह का निश्चय काल अलग है, ठीक है। व्यवहार, अभी व्यवहार काल की बात करें, व्यवहार काल के तीन भेद बताए, कौन से भेद? जो अभी चल रहा है उसके तीन भेद, एक तो है वर्तमान जो अभी है, और जो चला गया वो भूत, और जो आएगा वो भविष्य। तो जो भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल, ये तीन भेद व्यवहार काल के हुए। बराबर, हम बोलते हैं ना जो तीर्थंकर हो चुके वो काल निकल गया, चौथा आरा चला गया, पांचवा वर्तमान में है और छठा अब आएगा, तो तीन काल हो गए। अब आगे, अब अतीत और अनागत काल जो गया गया वो, और आने वाला है वो अनंत काल समय का है। देखिए अभी इसको समय में डिवाइड किया है,
अतीत अनंत काल तक गया, भूतकाल अनंत अनंत काल तक चला गया, आने वाला भी अनंत काल होता है, कोई गिनती तो है नहीं, पर वर्तमान को आप मात्र एक समय को वर्तमान कहोगे, समझ में आ रहा है? तो वर्तमान गिनती का है। भगवान बार बार गौतम स्वामी को बोलते थे, गौतम समयम मापमाये, बराबर, एक भी समय का प्रमाद मत करो, मतलब वर्तमान में बिल्कुल आपका दिमाग कैसा रखो, अलर्ट रखो, अलर्ट कि आपसे वर्तमान में कोई भी जीव की हत्या ना हो, हिंसा ना हो, अहिंसा ही हो, वर्तमान में बिल्कुल प्रमाद ना हो। वर्तमान का मतलब ये नहीं क्या, ये एक घंटे तक आपको प्रमाद नहीं करना है, बाकी आप प्रमाद कर सकते हो, ऐसा नहीं कि भैया बिंदु बहन ये लेकर बैठी है तो एक घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद छुट्टी, फिर पिक्चर देखेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर फोन पे बातें करेंगे, ये नहीं है वर्तमान। बराबर, वर्तमान का मतलब हरेक प्रत्येक समय है वो वर्तमान, और एक समय निकल गया, दूसरा समय आ गया, तो आगे का समय हो गया भूतकाल। इसको कैसे समझा है, वर्तमान काल एक समय रूप ही है, क्योंकि काल की डिस्कशन भूतकाल थी। हाँ, बस एक समय में एक शब्द, क्या एक शब्द के असंख्य भाग टुकड़े करोगे ना, वही है वर्तमान। एक शब्द जो बोलेंगे ना हम, उसके भी असंख्य टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि काल की वर्तना एक एक समय रूप व्यवहार वाली होती है, प्रत्येक द्रव्य पर्याय में रहने वाली तथा एक समय जितने काल में ही स्वसत्ता का अनुभव करने वाली। ये जो स्वसत्ता है ना हमारी, कि हम किसमें हमारे कर्म को घटा सकते हैं, वो सिर्फ एक समय और वर्तमान है। वर्तमान जोग, ये शब्द को कभी नहीं भूलना। महात्मा, अगर आप जाओगे ना कि गुरुजी आज घर पधारो, वो बोलेंगे वर्तमान जोग। अगर गुरुजी आपको कुछ गोचरी का लाभ दो, वो बोलेंगे वर्तमान जोग। मतलब अभी तो नहीं है, पर पता नहीं एक सेकंड बाद होगा कि नहीं होगा, अगले समय नहीं पता। तो ये वर्तमान जोग को कभी नहीं भूलना है। मतलब ये हो गया वर्तमान योग, जो योग होता है ना, सही से सही अगर आप उसका इस्तेमाल कर पाओ समय का, तो वो है सिर्फ वर्तमान। ना आप भूतकाल को बदल सकते हो, ना भविष्य को बदल सकते हो, बराबर। चलो, जो वर्तना उत्पन्न होते और विनाश पाते भावों के साथ प्रथम संबंधात्मक विषयक समव्यवहार रूप है, और वह तांदुल मतलब चावल के विकार के जैसे उसका अनुमान समझना चाहिए। चावल में जब विकार आता है ना, तो प्रत्येक समय में विकार बढ़ता है, प्रत्येक समय में जो है उससे बड़ा, जो है उससे बड़ा। जैसे शरीर में रोग भी आए तो बुखार आता है तो क्या सीधा है, दो तीन आ जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, बराबर। तो या इसका मतलब ये हुआ, उत्पन्न होते और घटते, उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पन्न होते और लय होते, समझ में आ रहा है? ये तीनों में उत्पन्न होते समय और व्यय होते समय, उत्पाद ध्रुव और व्यय भी तो है ना, ये पहले और अंतिम समय के हरेक पदार्थों में प्रथम समय का व्यवहार उत्पत्ति का हुआ, उसके बाद जो समय है वहां वो स्थिर हुआ, और उसके बाद के ही समय से वो लय होना शुरू हो गया। ओके, विनाश भाव हुआ, ये प्रथम समय ही वर्तना का संव्यवहार होता है। अब समझ में आ गया समय का महत्व, समझ में आ गया, आ गया सबको कि समय क्या है, और वो समय को किस प्रकार से यहाँ लिया गया है, हमको उसे कैसे लेना चाहिए। इसका यानी उदाहरण दिया है, कमल नाल के तंतु अग्नि, कमल नाल की जो तंतु होते ना अंदर के, जो तांतना होते ना कमल के नाल के अंदर तंतु, उसमें अग्नि होता है, और वो अग्नि के संयोग से उसमें गर्मी आती है, लेकिन उसकी हमें नहीं पता। आप उसको पकड़ोगे तो आपको अग्नि मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसी तरह से ये जो विकार है ना बीच के समय में, उसको हम नहीं पकड़ सकते। उदाहरण बहुत अच्छा दिया, जो बीच वर्तना का तब व्यवहार
એટલે શું સમવ્યવહાર? સમવ્યવહાર વર્તના કા સમવ્યવહાર મતલબ જો વ્યવહાર સમ હો ચુકા હૈ, સમ કા મતલબ હી તો સ્થિતિ આ ગઈ ના, આપ સમજ રહે? વર્તના વો પરિણામ મે હૈ, મતલબ ચેન્જ હોના, વર્તના પરિણામ મતલબ સ્થિતિ કા બદલના, ઉત્પત્તિ કા મતલબ ઉત્પન્ન હોના, તો વો સ્થિતિ બદલ રહી હૈ, બરાબર? એક સમય મે હી વો સમ વ્યવહાર હુઆ, ઉસકા વ્યવહાર સમ હુઆ, ઓર એક સમય કે બાદ તો વો લય હોના શરૂ હો ગયા, તો યે જો પરિણામ હુએ ના, ઉત્પન્ન હુઆ, ફિર સમય કુછ એક સમય કે લિયે સમ હુઆ, ઓર અબ લય હોના શરૂ હો ગયા, ઇસકા મતલબ હી વર્તના પરિણામ હુઆ. સમજ મે આ રહા હૈ? દેખો હમારી આયુ મે તો યે વર્તના પરિણામ સે હી સમય જાતા હૈ, સમજો અભી આપ. હમારી આયુ મે કેસે જાતા હૈ? મનુષ્ય ભાવ યા શરીર કે સાથ, પૂતગલ અસ્થિકા કે સાથ આપ યહી વર્તના પરિણામ મે રહોગે, વ્યવહાર કાલ હોગા, શરીર કી ઉત્પન્ન હુઈ, બચ્ચે કે ગર્ભ મે સે ઇતને છોટે મે સે 9 મહિને તક ભી તો ઇતના બચ્ચા હુઆ, વો બચ્ચા બહાર આને કે બાદ ભી તો હમારે જૈસે બડા હુઆ, બડા હોને કે બાદ ભી અંદર શરીર મે વૃદ્ધત્વ આયા, હમ સમ કબ હુએ? પ્રત્યેક સમય જીતના હી હુએ ના, સમ હુએ તો હૈ, કબ હુએ? જો ચક્ષુ બંધ કરો ખોલો, અસંખ્ય સમય નિકલ ગયો, વો એક સમય મે હમ સમ હુએ, ઓર વો સમ હોતે હોતે દૂસરે સમય મે તો લય હોના શરૂ હો ચુકા. તો યે વર્તના પરિણામ જો સમ વ્યવહાર હૈ, વો સિર્ફ વ્યવહાર કાલ મે હી મિલેગા, બરાબર? આગે જાયેંગે. દેખો એક આપ કિસી પેપર કો લો યા કપડે કો લો, માન લો કે યે કપડા હૈ, માન લો યે કપડા હૈ, ઓર મેં ઉસકો એસે હી એક સેકન્ડ મેં એસે હી કપડા હૈ યે માનના, પેપર નહીં કપડા હૈ, મેં ઉસકો એસે ફાડ રહી હું. અબ કેસે એક સેકન્ડ મેં ટુકડા હો જાયેગા દો કપડે કા, લેકિન ક્યા એક કે બાદ એક સમય મેં ફટા, કેસે ફટા વો? એક સમય બે સમય ત્રણ સમય, એક તંતુ પહેલે સમય મે, દૂસરા તંતુ દૂસરે સમય મે, તીસરા તંતુ તીસરે સમય મે, ધાગા હૈ ના સબ ઉસમે, તો એક કે બાદ એક ધાગા ટૂટા કે નહીં? તો એક સેકન્ડ મે ઇતને કિતને ધાગે ટૂટે, અંદર કિતને ધાગે બને હુએ થે? કમ સે કમ 1000 ધાગે હોંગે, તો 1000 સમય લગા ઉસકો, બસ એસે સમજના હૈ. હરેક એક એક તંતુ જો ટૂટતા ગયા હૈ વો હૈ એક એક સમય. પહેલે સમય મે તો પહેલે ધાગે કો એક સમય મિલા કે નહીં મિલા, દૂસરે કો એક સમય મિલા કે નહીં મિલા, બસ. ઓર પહેલે સમય મે એક ધાગા ટૂટ રહા હૈ તો ભૂતકાળ મે ઉસમે એક ભી ફટા હુઆ થા, ઓર દૂસરે સમય મે એક ફટા હુઆ આ ગયા, તીસરે મે વહાં દો આ ગયા, તો વહાં પે બદલાવ હુઆ ના, ઉત્પત્તિ મે બદલાવ હુઆ, લય હો રહા હૈ વહાં, બદલાવ હો રહા હૈ, ઘટ રહા હૈ, લેકિન ક્યા સમય મે એક હી ટૂટ રહા હૈ, વહાં કોઈ બદલાવ હૈ? સમજ મે આ ગયા અભી પૂરા? ચલો, બિલકુલ ઇસી પ્રકાર સે એક દૂસરા એક્ઝામ્પલ હૈ. 100 પંખુડીઓ ઇકઠ્ઠી કરો કમલ કી, ઓર સુઈ ડાલો, એક સેકન્ડ મે સુઈ ઉતર જાયેગી, ક્યુંકી પંખુડી કોમલ હૈ. અબ ક્યા એક સાથ મે સારે ભેદે યા એક કે બાદ ભેદી પંખડી? એક સાથ મે કેસે? પહેલે પહેલે પહેલા પહેલી કે મે છેદ હુઆ, દૂસરે મે સેકન્ડ મે હુઆ, હા તીસરે મે તીસરા છેદ હુઆ. માઇક્રો સેકન્ડ કહેવાય એને? આપ ઉસકો માઇક્રો સેકન્ડ બોલો, યહી હમારી ભાષા મે સમય હૈ. ઉસે ભી છોટા હૈ. તો કહેને કા અર્થ યે હૈ કે ઉસમે એક કે બાદ એક હી ભેદ હોગા ના, તો એક કે બાદ અગર પહેલી હુઈ તો વો પંખુડી ભૂતકાળ, દૂસરી હુઈ તો ભૂતકાળ, તીસરી હુઈ તો. અબ ક્લિયર હો ગયા? ચલો આગે. યે સૂક્ષ્મ સે સૂક્ષ્મ કાલ સમય હૈ, ઓર કર્મ ગ્રંથાદી સુનિયેગા, ગ્રંથો મે વર્ણિત ચોથે જઘન્ય યુક્ત અસંખ્યતા કી સંખ્યા જીતની હોતી હૈ
तब एक आवलिका होती है। तो जब एक आवलिका का समय है ना, उसमें भी असंख्य समय निकल चुके जिसको आप गिन नहीं सकते हो। अब ये आवलिका 256 इकट्ठी होगी ना, आप समझ रहे हो, असंख्य समय की एक आवलिका। अब 256 आवलिका का समय सूक्ष्म निगोद जीव की एक आयुष्य। मतलब क्या हुआ पता है, निगोद के जीव 256 आवलिका में जन्म मरण कर लेते हैं। ये अभी तक एक मिनट हुआ नहीं है, इससे अल्प आयु किसी का नहीं है। इसलिए पहले जीवो 70 मरे एजा एक श्वासो छह श्वास 70.5 भोग करे एजा। ओके, एट्ले 256 आवलिका बराबर एक श्वासो छ्वास। हजी तो आवशे आगळ, हवे आवलिका ने श्वासो छ्वास में लई जशे, पण 256 आवलिका बराबर आ लोकोनु एक जन्म मरण थयु। अब 256 आवलिका जितना एक काल एक क्षुल्लक भव हुआ, एक क्षुल्लक भव, ऐसे एक मुहूर्त में कितने क्षुल्लक भव होंगे, तो एक मुहूर्त का हिसाब दिया है, एक एक मुहूर्त में 65,536 क्षुल्लक भव हुए उनके। समझ में आ रहा है अभी, वो एक श्वासोच्छ्वास में 70.5 भव करते हैं, क्योंकि एक मुहूर्त में 1,67,000 मतलब 1,67,77,256 आवलिका होती है, 296, तो उसमें उसको इतनी आवलिका से आवलिका का 4,446 से कुछ ज्यादा आवलिका का एक प्राण या एक श्वास होता है। हम जो एक प्राण लेके छोड़ेंगे ना, उसमें कितनी आवलिका गई, नसीब है ना हमारा, हमारी आयु उतनी नहीं खपट रही है। ये एक आवलिका में आप एक बार श्वास लेके छोड़ोगे तो इनके तो कितने भव हो जाएंगे, समझ सकते हो आप, 17.5 भव हो गए एक जीव के। तो अब उसकी हमको दया करनी है कि उसको और कचोड़ना है, क्या करना है, दया। हाँ, तो निगोद या नील के या लील के ऊपर चलने के लिए मना क्यों किया है, यही कारण से तो मना किया है। कैसे सूक्ष्म जीवों की विराधना से तो हमें जरूर बचना है, बचना है कि नहीं बचना है, बचना है, उसकी विराधना नहीं करनी है हमको। और ये भी श्वासोच्छ्वास किसका, तो जो निरोगी और सुखी है उसका, रोगी का नहीं। रोगी का श्वास तो बहुत धमन की तरह फास्ट चलेगा। उच्छ्वास को ऊर्ध्वगमनशील और नीचे रखने पे निश्वास, मतलब उच्छ्वास निश्वास, एक श्वास लो और एक छोड़ो, पूरा जब श्वास हो जाए ना, वो दोनों मिलकर प्राण होता है, एक प्राण होता है। और ऐसे एक श्वासोच्छ्वास में अथवा एक प्राण में 70 से भी अधिक इनके क्षुल्लक भव होते हैं। तो 17.5 बार वो जन्म मरण करते हैं हमारे एक श्वासोच्छ्वास में। अब इतने काल को ऐसे 7 प्राण इकट्ठे हो तब एक स्तोक बनेगा, कितना, 7 प्राण का एक स्तोक बनेगा। ऐसे 49 प्राण का एक लव बनेगा, मतलब 7 स्तोक का एक लव, 77 लव का एक मुहूर्त। अब समझ में आ रहा है, सित्तो तेर लव का एक मुहूर्त बनेगा। ये मुहूर्त, चंद्र मुहूर्त और सूर्य मुहूर्त ऐसे दो प्रकार के कहे गए हैं। एक इस मुहूर्त में एक समय कम होने पर उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त हो जाएगा। अब अंतर मुहूर्त में भी उत्कृष्ट और जघन्य है, हमको पता है क्या उसका, आप जानते थे, नहीं पता। अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट, ऐसा ही सिखाया गया है ना हमको, अभी अभी तक ये 48 मिनट हुई नहीं है। तो अंतर मुहूर्त भी दो, उसमें भी भेद आया, उत्कृष्ट जघन्य।
लघु में लघु सुनो सुनो अभी हाँ नहीं नहीं सांभळो हवे लघु में लघु जगन अंतर्मुहूर्त एक समय नु छे खाली तो एक समय भी अंतर्मूर्ति है आप समझे एक जो समय है ना वो भी अंतर्मूर्ति अगर कोई बोले अंतर्मूर्त में ये हो गया तो आपको ये नहीं समझना है कि 48 मिनट उसको लगे होंगे ओके और 10 समय से लेके उत्कृष्ट अंतर्मूर्त में एक समय न्यून मध्यम अंतर्भूत अंतर्मूर्त हो गया अब 10 समय से लेके जो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त का टाइम दिया है ना उसमें एक समय कम वो सारा मध्यम अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त और मध्यम तो अंतर्मुहूर्त असंख्य प्रकार के आ गए मध्यम में तो असंख्य समय आ गए तो असंख्य प्रकार हो गया 30 मुहूर्त का एक सूर्य दिन होता है ऐसे 15 सूर्य दिन का एक पक्ष होता है एक ऐसे ही 15 चंद्र दिन का भी एक चंद्र पक्ष होता है समझ में आया 30 तिथि का एक महीना अभी चंद्रमास एक 30 तिथि का एक महीना ऐसे अभी गिनती शुरू होगी समझे अब ये गिनती शुरू होगी सुदवत वैसे 15 चंद्र दिन का एक चंद्र पक्ष होता है जिसे व्यवहार में पक्ष और पखवाड़ा कहा गया तो व्यवहार में ये आया तो निश्चय में तो होगा ही नहीं ना ऐसे 2 पखवाड़े का एक मास 12 मास का एक सूर्य वर्ष और एक चंद्र वर्ष अब 5 सूर्य संवत्सर का एक युग बराबर 12 महीने का एक वर्ष 5 वर्ष का एक युग ऐसे 84 लाख सूर्य संवत्सर का एक पूर्वांग 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व अब 84 लाख पूर्व से एक त्रुटि तांग ऐसे से बढ़ना है आपको मल्टीपल 84 लाख से करना है या मल्टीपल 84 लाख से होता है हमारे शतक में तो एक एक ही जीरो बढ़ते हैं ना यहाँ एक एक जीरो नहीं बढ़ता है 1 लाख से मल्टीपल होता है इतना आयु ऋषभ देव भगवान का था 84 लाख त्रुटि तांग से एक त्रुटि अब एक त्रुटि को 84 लाख से गुनो तो एक अडडांग उसको वापस 84 से गुनो आगे आगे शीर्ष प्रहेली का तक गणित जाएगा अब सबके नीचे नाम दिए अडडांग अडड अववांग अव हुकांग हुक उत्पलांग उत्पल पद्मांग पद्म नलिनांग नलिन अर्थपुराण अर्थनिपुर अयुतांग अयुत प्रयुतांग प्रयुत नयुतांग नयुत चुलिकांग चुलिका शीर्ष प्रहेलिकांग शीर्ष प्रहेलिका समझ में आया यहां तक 84 लाख से आपको मल्टीपल करते करते आगे जाना पड़ेगा और ये शीर्ष प्रहेलिका तक संख्या हुई पश्चात असंख्यात वर्षों का एक पल्युपम होता है अब शीर्ष प्रहेलिका को ऐसे ही 84 लाख शीर्ष प्रहेलिका से गुने ना तब एक पल्युपम होता है और ये पल्युपम को 10 पल्युपम कोड़ा कोड़ी पल्युपम से गुने ना तब एक कोड़ा कोड़ी होता है समझ में आया एक पल्युपम को के जितने वर्ष उसको 10 करोड़ से गुनो ना तब एक सागरो एक एक कोड़ा कोड़ी पल्युपम होता है और एक कोड़ा कोड़ी को एक कोड़ा कोड़ी से अगर ये इसको 100 कोड़ा कोड़ी से गिने ना तब एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम होता है समझ में आया एक करोड़ पल्युपम को 1 करोड़ से गिनो मल्टीपल करो तब एक सागरोपम होता है और एक सागरोपम को 100 सागरोपम से मल्टीपल करो तो 10 कोड़ा कोड़ी आए ठीक है अब हम पल्युपम पे अटक जाए पल्युपम के अटक जाओ पल्युपम 6 प्रकार के हैं पल्युपम 6 प्रकार के हैं उद्धार पल्युपम अध्या पल्युपम क्षेत्र पल्युपम और प्रत्येक के सूक्ष्म 3 और बादर 3 ऐसे 6 भेद हो गए मतलब ये हुआ कि उद्धार पल्युपम सूक्ष्म उद्धार पल्युपम बादर उद्धार पल्युपम सूक्ष्म अध्या पल्युपम बादर अध्या पल्युपम सूक्ष्म क्षेत्र पल्युपम बादर क्षेत्र पल्युपम ठीक है ऐसे 6 प्रकार पल्युपम के बताए गए हैं
बिल्कुल इसी प्रकार से सागरोपम के भी 6 वेद आएंगे। चलो अब ये सारा लिखा हुआ है जो हम पढ़ चुके हैं उसको हम वापस नहीं पढ़ेंगे, बराबर? ठीक है। अब आगे आएगा जैसे कि दो मास एक पक्ष, एक पक्ष के दो पक्ष तो एक मास, वो मैं बोल देती हूँ, दो मास की एक ऋतु बराबर ऐसे 6 ऋतु की 12 मास, 12 मास का एक संवत्सर, और संवत्सर के आगे तो हमने गिनती कर ली पहले। यहाँ ये बोला है कि त्रुटितांक की संख्या को 84,00,000 से 25 बार अगर आप गुणाकार करोगे तो शीर्ष प्रहेलिका का प्रमाण आएगा। अब आओ दूसरे पेज पे, आपको पेज नंबर 96 पे आपको पूरा किसका क्या कहा जाता है, किसका क्या कहा जाता है उसका गणित दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, आगे आगे आगे, आज आपका ये पाठ नंबर 5 खत्म हुआ। अब आप आओगे 6 नंबर पे, बादर उद्धार पल्योपम, जो आपने पल्योपम के 6 भेद जाने ना, सूक्ष्म उद्धार पल्योपम, बादर उद्धार पल्योपम, तो उसमें से जो पहला उद्धार पल्योपम था उसके ऊपर हम आएंगे। बोलो अभी कोई क्वेश्चन है तो बताओ। अभी से भी उसमें कुछ क्वेश्चन होगा तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। गिनती 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 आगे जाना है, बराबर? हमारे लिए तो यही बहुत है कि इतने साल से हम भटक रहे हैं बस, है कि नहीं? हाँ भटक रहे हैं, मतलब अभी भी हमारा कोई अंत आया नहीं है, हमारे लिए यही जानना, हमारे लिए और कुछ जानना ही नहीं है कि देव होंगे तो कितने साल मजा करनी है, ये हमको नहीं जानना है। ठीक है, चलो बादर उद्धार पल्योपम को कैसे गिना गया है। एक योजन गहरा घन वृत्त कुआ, मतलब ऐसा कुआ बनाओ, एक योजन, एक योजन ऊंडा, लंबाई चौड़ाई गहराई सब एक जैसा है उसको घन वृत्त कहते हैं, मतलब जो लंबाई चौड़ाई ये सारा एक योजन हो, ऐसा बनाओ और उसकी परिधि लगभग 3 योजन ऊपर हो, और ऐसे वो कुएं में महाविदेह क्षेत्रवर्ती देव कुरु उत्तर कुरु जो दो क्षेत्र आए हैं वहां के जन्मे युगलिक मनुष्य के मुंडन किए हुए मस्तकों पर 1 से 7 दिन तक जो बाल उगेंगे ना वो बाल से वो बालाग्र से वो कुआ भरना है, वो कुआ को आपको भरना है और वो भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, तो उसमें और वो भी कैसे आपको देखो यहाँ बताया हुआ है, मैं बोलती हूँ आपको, उसमें जो आपने पहले कुआ भर दिया, आपने वो कुआ बालों से भर दिया, अब आपको क्या करना है, वो जो एक बाल निकालो उसके 7 बार 8 टुकड़े करो, मतलब कैसे करो, एक बाल के पहले 8 टुकड़े करो, जो टुकड़ा हुआ उसका दूसरी बार 8 टुकड़ा करो, उसका तीसरी बार भी एक टुकड़ा लेके तीसरी बार भी 8 टुकड़ा करो, वो जो तीसरी बार जो छोटा टुकड़ा हुआ उसमें भी इसी भी और 8 टुकड़े करो, ऐसे 7 बार टुकड़ा करो तो कितना छोटा बाल होगा, क्योंकि ये तो युगलिक के बाल है ना, तो युगलिक की हाइट हिसाब से बाल भी लंबे ही होते हैं, वो एक एक टुकड़ा, अब ये 8 टुकड़ा हो गया है, अब आपको क्या करना है कि वो जो आपने जो कुआं बनाया है उसमें ये एक एक टुकड़ा डालना है, आज एक टुकड़ा डाल दिया अब दूसरा टुकड़ा कब डालोगे, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, ऐसे बाल के टुकड़े करने के बाद वो सारे टुकड़े को वो पल्य में ठसो ठस भरना है, समझ में आ रहा है, वो जो घनवृत्त एक योजन का कुआं है ना उसको बिल्कुल ठसो ठस भरना है, ऐसा ठसो ठस भरना है कि उन बालों को अग्नि भी ना जला पाए, उन बालों के वो ठसो ठस भरे हुए कुएं के ऊपर से पूरे चक्रवर्ती की सेना भी निकल जाए ना तो भी वो बाल उड़ ना पाए, ऐसे आपको बिल्कुल खींचो खींच भरना है, बिल्कुल जगह नहीं रहनी चाहिए, समझ में आ रहा है, ऐसे आपको भरना है,
उसके बाद वो कुएं में से हर एक समय पर एक एक बालाग्र को समुद्धत करना है, मतलब निकालना है, उसको निकालना है। ऐसे समय समय पर बालाग्र निकालते हुए जितने समय में वो पल्य सर्वथा खाली हो जाए उतने समय को बादर उद्धार पल्योपम कहा जाता है। ठीक है, अब आओ दूसरी बात। ये सूक्ष्म उद्धार पल्योपम, ये था बादर उद्धार पल्योपम। अभी सूक्ष्म में क्या बताया है पता है? सूक्ष्म उद्धार पल्योपम में आपको क्या करना है, उसमें तो आपने सात सात भाग के टुकड़े किए थे ना, एक बाल के पहले सात टुकड़े, आठ टुकड़े, वो उसमें से एक लेके उसके साथ, उसमें से एक लेके वो एक साथ। यहाँ क्या किया है पता है? बिल्कुल सूक्ष्म 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 असंख्य टुकड़े करने, एक बाल के असंख्य टुकड़े होंगे। अब वो असंख्य टुकड़े को उठा उठा के एक एक समय में बाहर रखना। पहले तो वो 49वां भाग था ना एक बाल का, तो इतना बड़ा भी तो हो सकता है। अब तो बिल्कुल सूक्ष्म सूक्ष्म टुकड़े किए हैं और बिल्कुल बाहर निकालना है, तो पहले से ये ज्यादा समय होगा कि नहीं होगा? सूक्ष्म उद्धार पल्योपम बादर उद्धार पल्योपम से ज्यादा समय वाला होगा कि नहीं होगा? बस तो ऐसे सूक्ष्म उद्धार पल्योपम का समय बताया गया है। समझ में आ रहा है? ये एग्जाम्पल है बस, हम तो उसकी गिनती समझ भी नहीं पाएंगे। मतलब इसमें असंख्य समय जाता है। अब इसमें क्या लिखा है मैं बोल रही हूं, सुनो। 25 कोड़ा कोड़ी सूक्ष्म उद्धार पल्योपम के जितने समय जो है उतने ही द्वीप समुद्र कहे गए हैं। बोलो, जो असंख्य द्वीप समुद्र है ना, वो ऐसे 25 कोड़ा कोड़ी सूक्ष्म उद्धार पल्योपम के जितने बाल होंगे ना, उतने समय निकालने में जितना समय जाएगा ना, उतना द्वीप समुद्र है। और अंतिम में स्वयंभू रमण समुद्र। समझ में आया? चलो आगे जाएंगे। अब आया बादर अद्धा पल्योपम। पहले उद्धार पल्योपम था, अब हम करेंगे अद्धा पल्योपम। अद्धा अद्धा अधा अद्धा अद्धा उद्धार पल्योपम के लिए जैसे ही बालाग्र भरे थे ऐसे ही यहां भी भरना है। लेकिन जो आपने एक एक समय में एक एक बाल निकाला था ना, उसकी जगह हर 100 वर्ष में एक एक बाल निकालना है। कितना लंबा समय जाएगा? जो आपने एक एक समय में एक एक बाल निकाला, अब एक 100 वर्ष में एक बाल, मतलब कितने कितने ज्यादा समय हो जाएगा आप समझ सकते हो? उसको कहेंगे बादर अद्धा पल्योपम। ठीक है, एक 100 वर्ष में एक निकालोगे, दूसरे 100 वर्ष में दूसरे निकालोगे, मतलब जो एक एक समय में निकाला अब 100-100 वर्ष में निकालोगे, तो उतना उतना समय हर एक बाल के पीछे लंबा होता जाए। समझ में आ गया? अब आगे जाएंगे सूक्ष्म अद्धा पल्योपम। ये 100-100 साल में निकाले थे ना, 100-100 में एक 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 निकाला था ना, अब आपको कितना निकालना है? 100 वर्ष पर एक एक बालाग्र निकालना है जब तक कुआ खाली ना हो जाए। आपको निकालना 100 में ही है, लेकिन आपको टुकड़े कितने करने हैं? असंख्यात, एक बाल के असंख्यात टुकड़े करने हैं। तो अब तो असंख्यात बालों को 100-100 वर्ष बाद निकालोगे, कितना समय जाएगा? एक बाल के 49 टुकड़े और उसको 100-100 साल बाद निकालो, अब एक साल के तो असंख्यात टुकड़े और उसको भी 100-100 साल, तो कितना मल्टीपल हो गया ना? समझ में आ रहा है ना? हमारे पास कोई कैलकुलेटर नहीं है गिनने के लिए। अब आ गया वो बादर क्षेत्र पल्योपम। अब जमीन की बात कर रहे हैं, जमीन की बात कर रहे हैं। जैसे ये जो सात, एक बाल के सात टुकड़े, दूसरे एक एक विभाग के और आठ
आठवें भाग के और 60 टुकड़े, उसके आठवें भाग के और 60 टुकड़े, जैसे जो किए हुए हैं, जो किए हुए हैं, उसी पल्ले में से प्रत्येक रोम खंड में असंख्य आकाश प्रदेश अंदर और बाहर से भी स्पर्श कर रहे हैं। जो रोम खंड हुए उसको कितने आकाश प्रदेश स्पर्श कर रहे हैं? बड़ा कुआं है, बड़ा पल्ले है, बड़े बड़े इतने बालों का ढगला है, कितने आकाश प्रदेश को छू रहे? जितने आकाश प्रदेश को छू रहे हैं उतना समय बादर क्षेत्र पल्योगम, और आपने और टुकड़े टुकड़े किए, आप उसको एक 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 निकालते जाओ तो वो कितने आकाश प्रदेश को छुएंगे? और भी ज्यादा, वो होगा सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम। ऐसे बहुत इजी, आपको टुकड़ा करना एक बार समझ में आ जाना चाहिए बस, बराबर। लिखने में शायद लगेगा लेकिन सुना हुआ होगा ना तो इजीली समझ पाओगे, ठीक है। यहाँ काल को समझने के लिए ये सारा बताया गया है, कंफ्यूज करने के लिए नहीं, आपको इतना समझ में आना चाहिए। आगे जाए, ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम, ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम से एक सूक्ष्म क्षेत्र सागरोपम होता है। पल्योपम तो समझ में आ गया, एक पल्योपम। अब यहाँ पे सागरोपम समझाया है कि जैसे ही जितना समय एक पल्योपम का हुआ, ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी, 10 करोड़ × 10 करोड़ उतने पल्योपम जाएंगे तब एक सागरोपम होगा। समझ में आया? समझ में आया। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का एक काल चक्र हो, ओके। तो ये आपका काल का नाप खत्म हो गया। अब आ गया पाठ नंबर 7 पे, आपके 6 पाठ खत्म हो गए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आगे मैं ले लू चैप्टर, ले लू थोड़ा, क्योंकि गणित ही जा रहा है, जमीन का ही गणित जा रहा है, तो मैं ले रही हूँ क्योंकि आपको एक साथ में ही समझ में आ जाए, इसलिए ठीक है। जैन शास्त्र अनुसार, अब देखो आपको माप तो आ गया, पल्योपम सागरोपम क्षेत्र तो आ गया, क्षेत्र आ गया मतलब जमीन का माप आ गया, तो उसको कैसे लिया गया है? एक योजन के कितने माइल, इन्होंने आज के हिसाब से गिने, एक योजन के कितने माइल, मतलब आपको यही देखना है कि एक योजन की जमीन को हम नाप कैसे सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे तो स्वतंत्र पद्धति है, लेकिन आपको ये समझना है कि आज के समय में हम इसका सही ढंग से माप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि पता है क्या, ये जो योजन है ना, योजन, ये जो भरत क्षेत्र है उसके जो 6 खंड है, ये 6 खंड में जो आज की पृथ्वी, 6 खंड वाली आज की पृथ्वी, ये भरत क्षेत्र की ही 6 खंड की पृथ्वी है। सबसे महत्व की बात यहाँ हमारे लिए ये आएगी कि ये 6 खंड में जब भरत राजा जीतने निकले थे ना, और 6 खंड को जीत के आए थे ना, तब सिर्फ अयोध्या नगरी, विनीता नगरी, जो आज की अयोध्या है, आज की अयोध्या है, वो विनीता नगरी में उसके पदाति 90 करोड़ पदाति सैन्य, और वो भी 500 धनुष की काया वाले, बोलो ये इतने अयोध्या में आएंगे? आ पाएंगे क्या? एक तो 500 धनुष की काया और 90 लाख है ना शायद, 90 लाख, 90 लाख लोग, 1 करोड़ जितने लोग खड़े हो पाएंगे क्या ये अयोध्या में, और वो भी 500 धनुष की काया वाले? नहीं नहीं। तो अयोध्या इतनी होगी खाली आदेश्वर दादा के वक्त? बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी। तो आज के किलोमीटर से क्या हम योजन को समझ सकेंगे, नापना ठीक होगा? नहीं, हमको तो सिर्फ कल्पना ही करनी, बराबर। आमतौर पे सी लेवल निश्चित हुआ है
और उसी से समभुतला शब्द का नाप लिया जाता है सी लेवल, और वहां से कितनी ऊंचाई पे समभुतला मतलब फ्लैट जमीन आई। जैन गणित के हिसाब से 400 कोस का एक प्रमाण अंगुल योजन निश्चित हुआ है, और वर्तमान गणित की परिभाषा में इस योजन का विभाजन माइलों में करे तो सूक्ष्म गणित के हिसाब से 3636 माइल होगा। अब सोचो कि 3636 माइल का और 400 कोस का, समझ में आ रहा है क्या है? एक योजन का मतलब 400 कोस, तो अब 3636 किलोमीटर से क्या 400 कोस हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें ये करने की कोशिश भी नहीं करनी, समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि हमको इसे सही जवाब नहीं मिलेगा, आप इसे सभी जवाब नहीं ले सकते हो कि जमीन अभी कितनी बची है। भरत क्षेत्र की जमीन 526 धनुष योजन, 526 योजन की भरत क्षेत्र की 6 खंड की भूमि थी। आज आपको कहीं से भी 526 योजन दिख रही है ना? ठीक है, तो अब भारतवर्ष का नामकरण आ गया, ये गणित समझ में आ गया। अब ये भारतवर्ष का नाम भरतवर्ष कैसे पड़ा उसकी बात की है। मुझे ऐसा लग रहा है आज गणित का छोड़ देते, आगे का हम अगले क्लास में करेंगे, 8:17 तो हो चुकी। कोई क्वेश्चन है तो बोलो। ये अब गणित खत्म हो चुका है, जो पल्योपम सागरोपम जो माप था वो खत्म हो गया है। अब भारतवर्ष का सीधा 6 खंड के भी हम आ गए अभी, कि ये 6 खंड का नामकरण कब पड़ा। ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत राजा के ऊपर से ये नाम पड़ा है, तो ये अभी तो सामान्य स्टोरी शुरू हो चुकी है, तो उसको हम अगले क्लास में ले ले, जो गणित का विषय है वो खत्म हो गया। तो आप लोग भी ये थोड़ा पढ़ के आना, क्योंकि पूरी स्टोरी तो मैं पढ़ूंगी नहीं, जो बीच बीच में शब्द है उसी को ही हम करेंगे। हाँ 7 चैप्टर, और पेज नंबर है 110 से, आपको 110 से आगे में पढ़ना है, बराबर? कोई प्रश्न नहीं समझ में आया हो तो बोलो। और नूतन जी आप ये जान लेना क्या लेक्चर हुआ है, उसके बाद कोई क्वेश्चन होगा तो अगले क्लास में जरूर क्वेश्चन कर लेना। हाँ जी, थोड़ा लेट हो गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने देखा लेट होने से हुआ कि आज पूरा गणित का सब्जेक्ट था ना, तो लास्ट में जो गणित चल रहा है उसमें आप एडजस्ट नहीं हो पाओ, मैं समझ सकती हूँ। तो आपको पहले ये सुनना पड़ेगा, और सुनने के बाद ही वापस अगले क्लास में आप प्रश्न कर लेना, ऐसे गणित खत्म हो चुका है जी मैम। और इसमें कोई अलग तो है नहीं, जो है वही है, गणित में तो कुछ बदलाव तो होना नहीं। जी बराबर ना? ठीक है, तो अभी अगले क्लास में होगा वो भारत क्षेत्र क्या है, कितने जमीन में पड़ा है, कब कौन सा काल आएगा, किस काल में उसकी क्या अवस्था होगी, आप वही सब जानोगे, क्योंकि काल का समय चल रहा है ना, तो 6 आरे के नाम तो आएगा ही आएगा, और 6 आरा बदलते ही भारत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में। तो पहला आरा कैसा था, दूसरा कैसा था, तीसरा आरा कैसा था, भारत क्षेत्र में क्या क्या चेंजेस हुआ, ये सब चीज हम पढ़ेंगे। ओके ओके, ये भी जानना है ना कि आदेश्वर दादा के वक्त कैसा ये क्षेत्र था, और आज भरत क्षेत्र में अयोध्या ये सब कैसा हो चुका है, कल कैसा होगा, सब जानना है ना? तो अभी अगले क्लास से ही हम शुरू करेंगे, ठीक है? चल, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।